साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को पड़ रहा है। इस सूर्य ग्रहण का कुछ खास योग बन रहा है जिसका असर सभी राशियों पर होने वाला है। जानकारी के अनुसार इस योग में सूर्य चंद्रमा के साथ ज्ञान प्रगति और संतान का कारक ग्रह गुरु बृहस्पति, ये तीनों ग्रह एक ही रेखा में होंगे। सूर्य ग्रहण का प्रभाव इन चार राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अशुभ होने वाला है। मेष राशि के लिए सूर्य ग्रहण बहुत ही अशुभ होने वाला है। इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, मानसिक परेशानियों में वृद्धि होने की संभावना है। दिसंबर के अंतिम दिनों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, ग्रहण के दौरान सावधान रहें। मिथुन राशि के जातकों पर भी सूर्य ग्रहण का प्रभाव नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। इन्हें चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। परिस्थितियां विपरीत अवश्य होगी किंतु बाद में अनुकूल परिणाम मिलने के आसार हैं। इस अवधि में आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और रिस्क लेने से नहीं घबराना होगा। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से तुला राशि के जातकों के जीवन में विपरीत परिस्थितियां आएंगी। इस दौरान जो भी निर्णय लें उसे सोच समझ कर लें। इस समय अपनी सेहत का ख्याल रखें और किसी तरह की लापरवाही न बरतें, अन्यथा समस्या लंबे समय तक रह सकती है। अगर मन में किसी तरह का भ्रम हो तो उसे तुरंत ही दूर करें। मन में नकारात्मक सोच न पनपे, इसके लिए योग व ध्यान करें। वृश्चिक राशि वालों को भी सूर्य ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपकी सेहत तो स्थिर रहेगी परंतु आपको करीबी लोगों की सेहत खराब रह सकती है। उनकी गिरती हुई सेहत को लेकर आप थोड़े परेशान रहेंगे। आपकी दिनचर्या में परिवर्तन आ सकता है जो कि अच्छे संकेत नहीं है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।